आप सभी का। जिन भी लोगों को ब्रेजा सीएनजी की वेट थी वो जल्दी से आ जाइए यहाँ पे। तो चलिए भाई ब्रेजा सीएनजी की न्यूज कवर करते हैं। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रेजा लॉन्च होने वाली है इसी मंथ के एंड में। तो आप सभी ने उस गाड़ी की इमेजेस और फीचर्स तो देख लिए होंगे, वो मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीधा बात करते हैं सीएनजी की। तो मारुति की तरफ से सीएनजी है जो इनकी ब्रेजा सीएनजी वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। ये देख लीजिए कि इस मंथ अगर ये गाड़ी लॉन्च हो जाती है ब्रेजा, तो इसके नेक्स्ट मंथ में ही लगभग आप सीएनजी में भी आप इस गाड़ी को देख लोगे। कुछ टाइम पहले एक इमेजेस को स्पाइड किया गया था, ये आप देख सकते हैं। एक इमेज फिर से सामने आई है, ये आपके सामने है। इसमें गाड़ी के रियर विंडशील्ड पे आपको सीएनजी की बैजिंग नजर आ रही होगी। साथ में ये दूसरी इमेज देख सकते हैं आप, सेंटर कंसोल के नीचे यूएसबी ऑक्स के बगल में आपको ये सीएनजी की बटन नजर आ रहा होगा। इन इमेजेस को देखकर ये तो कंफर्म हो गया है कि गाड़ी जल्दी आने वाली है मार्केट में। इस बात ये होने वाली है कि एक तो ये मारुति की सबसे सेफेस्ट कार है, दूसरी बात ये है कि बिल्कुल ये फेसलिफ्ट न्यू लुक के साथ आने वाली है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये कॉम्पैक्ट सेगमेंट की पहली सीएनजी एसयूवी है, चौथी बात ये है कि इसमें आपको सनरूफ देखने को मिलेगा जो मारुति की तरफ से पहली गाड़ी है सनरूफ वाली। तो भाई मुझे ये बताइए अब कि आपको क्या चाहिए, इतना सब कुछ मिल रहा है आपको। न्यू ब्रेजा में आपको K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो आपको अर्टिगा में देखने को मिलता है। 1.5 लीटर का यह इंजन है। इसमें पावर की बात करूं तो 102 bhp की पावर निकालेगा और 136.8 nm का टॉर्क निकालता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। K15C इंजन की बात करें तो ये काफी फ्यूल इफिशियंट इंजन है जो आपको ज्यादा से ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी देगा। अब इस पेट्रोल इंजन के साथ अगर सीएनजी की बात करें तो ये माइलेज निकालेगा 25 से 30 किलोमीटर के माइलेज निकालेगा। इसी इंजन के साथ अर्टिगा सीएनजी के साथ आपको माइलेज निकाल के देती है 26.11 किलोमीटर का। कुल मिला के बात ऐसी है कि 25 से लेके 30 के बीच में आपको माइलेज मिल जाएगा। अभी इसी के सेगमेंट में कुछ गाड़ियां और आ रही है सीएनजी में, जैसे कि नेक्सोन सीएनजी आ रही है और हुंडई की तरफ से वेन्यू सीएनजी आ रही है। ये तो हो गई भाई सीएनजी की डिटेल, से तो बात करते हैं प्राइस की। ब्रेजा जो लॉन्च होने वाली है उसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो अभी सामने नहीं आया वैसे, पर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उसका टॉप मॉडल होगा उसका जो प्राइस आने वाला है वो 12 लाख के आसपास आने वाला है एक शोरूम। और वही बात करें सीएनजी की तो सीएनजी का प्राइस भी ऐसे ही रहने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 11 लाख से लेकर 12 लाख तक इसका प्राइस हो सकता है सीएनजी का भी। देखिए अभी प्राइस कोई भी कंफर्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ अभी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, इसलिए कोई भी कुछ ना बोले यहाँ पे कि अभी कुछ भी प्राइस बोल रहे हैं, ये तो बस अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है आप कमेंट कर देना एक बार, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सारे भाइयों को। राम राम।